हाय फ्रेंड, मैं कविता पांडे। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं फिर एक नई रेसिपी के साथ आई हूँ जो बहुत ज़्यादा टेस्टी है और बनाना बहुत आसान। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने लिया है गेहूं का आटा 2 कप। मैं आज बना रही हूँ गेहूं के आटे से खास्ता और टेस्टी खजूर। इसमें मैं डालूंगी 4 चम्मच सूजी। इससे सूजी डालने से क्रिस्पी बनेगा। एक कप मैंने लिया है पाउडर शुगर। चीनी को मैंने मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है, इसे मैं डाल दूंगी। 1/2 कप मैंने लिया है डेसिकेटेड कोकोनट, इसे नारियल का बुरादा भी बोलते हैं। इसे टेस्ट अच्छा आता है, इसे मैं डाल दूंगी। थोड़ा सा डालूंगी इलायची पाउडर। सभी को मिक्स करूंगी। इसमें मैं ऑयल डालूंगी, आप इसमें घी भी डाल सकते हो। 1/4 कप मैंने ऑयल डाला है इसे इसमें। सभी को अच्छे से मिक्स करूंगी। देख सकते हैं ये मिक्स हो गया है, इस तरह से बनने लगा है, इसका मतलब ये मिक्स हो गया है। इसमें मैं थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करूंगी और इसे मिक्स करूंगी। दूध से अच्छा टेस्ट आएगा। आप इसकी जगह पर पानी से भी मिक्स कर सकते हो। देख सकते हैं मेरा खजूर का डो रेडी हो गया है। अब इसे 5 मिनट के लिए ढक देती हूँ। तो डो को ढके हुए 5 मिनट हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, इसका छोटा छोटा बॉल बना लूँगी। थोड़ा सा ऑयल से हाथ को ग्रीस करूँगी और इससे मैं डिज़ाइन देने वाली हूँ। तो बहुत प्यारा सा डिज़ाइन आएगा। आप अपने हिसाब से बड़ा छोटा बना सकते हो। मैं इसमें डिजाइन देने वाली हूँ इस तरह से। देख सकते हैं कितना प्यारा डिजाइन आया है। तो इसी तरह से मैं बना लूंगी। ये दूसरा वाला भी इसी तरह से बना रही हूँ। इसी तरह से सारा बना लूंगी। तो देख सकते हैं मैंने बनाकर रेडी कर लिया है सारा। चलती हूँ नेक्स्ट प्रोसेस में। ऑयल मेरा गरम हो गया है, इसे लो टू मीडियम रखना है। गैस का फ्लेम मैंने लो रखा है और एक एक करके खजूर को डालती जाऊंगी। लो फ्लेम में फ्राई करूंगी ताकि अंदर तक फ्राई हो सके।
एक एक करके मैं इसे डाल दूंगी, जितना कढ़ाई में आ जाए। इसे उलट पलट करके फ्राई कर लूंगी। तो देख सकते हैं मेरा पहला बैच फ्राई हो गया है, दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो गया है। मैं इसे निकाल दूंगी। दूसरा बैच भी इसी तरह डाल दूंगी। लो फ्लेम में ही इसे फ्राई करना है। इसे भी फ्राई कर लूंगी उलट पलट करके। दूसरा बैच भी मेरा रेडी हो गया है, तो मैं इसे भी निकाल लूंगी। तो देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है और बहुत अच्छे लग रहे हैं दिखने में, तो बहुत अच्छी बन गई ये। इसे मैं थोड़ा ठंडा कर ले। तो देख सकते हैं मैंने सारा फ्राई करके रेडी कर लिया है। बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं ये खजूर, इस तरह से ज़रूर ट्राई करें। तो मैं इसे एक तोड़ कर दिखा देती हूँ। देख सकते हैं अंदर तक बिल्कुल ही सिके हुए हैं, बहुत ही खास्ता बने हैं। फ्रेंड आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है? अगर अच्छी लगती है तो लाइक करें, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा वॉच करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक बाय, टेक केयर।